वो डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज्यादा होगा और सम ऑफ रेडियस से कम होगा बच्चे। हमने ये बताया था कि जब सर्किल इंटरनली टच करता है तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियस होता है। ये सर्किल को थोड़ा सा अगर इधर मूव कराओगे तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये पोजीशन आ जाएगी। थोड़ा सा और अब मूव कराओगे तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस और बढ़ेगा और अब जाके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सम ऑफ रेडियस के बराबर होता है एक्सटर्नली टच करने पे। इंटरनली टच करने पे सेंटर के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियस के बराबर होगा। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसमें से स्मॉलर वाले को माइनस करोगे। और ये जो स्टेप है इन दोनों के बीच का स्टेज है, तो इसीलिए हमने कहा कि सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज्यादा होगा एंड सम ऑफ रेडियस से कम होगा। कभी भी अगर दो सर्किल अगर दो जगह पे इंटरसेक्ट करे तो अप्लाई दिस कंडीशन। देखो, बोलो बच्चे। हाँ ओके सर। एग्जाम्पल ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक सर्किल ये दिया हुआ है एंड सेकंड सर्किल है एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कह रहा है इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन पहला ऑप्शन है आर की वैल्यू 0 से 1, सेकेंड ऑप्शन है आर की वैल्यू 1 से लेके 11, थर्ड ऑप्शन है आर ग्रेटर देन 11, फोर्थ ऑप्शन है आर इज इक्वल टू 11। इसको ट्राई कीजिए बच्चे। दो सर्किल दिया हुआ, दोनों का सेंटर निकाल लो, दोनों की रेडियस निकाल लो और सेंटर के बीच में डिस्टेंस भी निकाल लो और एंड अप्लाई दिस कंडीशन। अप्लाई दिस कंडीशन। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके okay. कुछ लोग क्लास में काफी लेट से ज्वाइन करते हो, 10:10 में ज्वाइन करते हो, ये गलत आदत है। आपको 10 बजे एकदम स्टार्ट कर देनी है ताकि मैं 2-3 मिनट के बाद स्टार्ट कर सकूं। ये आदत चेंज कीजिए आप लोग। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज्यादा सम ऑफ रेडियस से कम होगा। तो यहाँ पे पहले सर्किल का सेंटर 8,10 और इसकी रेडियस अगर हमने निकाला
तो 64 प्लस 100 माइनस सी करोगे तो 164 प्लस आर स्क्वायर आएगा, यहां से आर आ जाएगा। दूसरे का जो सेंटर है वो 4.7 है और रेडियस 6 है। सेंटर के बीच में अगर डिस्टेंस अगर हमने निकाला तो 8 माइनस 4 का स्क्वायर, 10 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहां से 5 आ गया। तो 5 जो होगा यहां पे, ये कंफर्म है कि जो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, पहली बात तो है कि सम ऑफ रेडियस से कम होना चाहिए। तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस 5 लेस देन आर प्लस 6, आर प्लस 6 इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना बच्चे? यस सर। और यहां से ये आ गया माइनस 1 लेस देन आर, यानी आर की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 होनी चाहिए। आर तो पॉजिटिव होता ही है तो ये स्टेटमेंट तो सही है ही। सेकंड ये है, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस ऑफ रेडियस से सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज्यादा होना चाहिए, या आर माइनस 6 का मॉड लेस देन 5, आर माइनस 6 माइनस 5 से लेके प्लस 5, तो आर की वैल्यू लेस देन 11 बट ग्रेटर देन 1, ये भी आया और ये भी आया। तो कॉमन वैल्यू है आर की वैल्यू 1 से लेके 11, आर की वैल्यू 1 से लेके 11, यही आया ना मौलिक? यस सर। ओके, एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y प्लस सी इक्वल टू 0 है, और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दिया हुआ है 27 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, देन सी इक्वल टू बताना है, ऑप्शन है 20, 25, 13, -25, ठीक है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो सी की वैल्यू बतानी है सर। 25। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर कॉइंसाइड कर जाते हैं, चाहे सेंट्रोइड हो, चाहे सर्कम सेंटर हो, चाहे इन सेंटर हो, सारे कॉइंसाइड कर जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे थ्योरी, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे साइड सेम होंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो बाइसेक्ट करता है, इसकी हाइट एडी आ जाती है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4,
तो ये हो जाता है रूट थ्री एक्स बाई टू होता है, तो इसका एरिया आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस एक्स है और हाइट है रूट थ्री एक्स बाई टू है, तो ये रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर है। इससे दो चीज क्लियर है कि एरिया दिया हुआ तो साइड भी निकल जाएगा और ये हाइट भी निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 27 रूट थ्री दिया हुआ है, यही है ना। तो यहां से ये रूट थ्री कैंसिल हुआ और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 27 इंटू फोर आ गया, या 9 इंटू फोर इंटू थ्री हो गया, तो एक्स की जो वैल्यू आ गई 6 रूट थ्री हो गया बच्चे। और इसकी जो हाइट हो गई, अगर हाइट की बात करें, एडी की बात करें, तो ये रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स है 6 रूट थ्री, ये इसे मल्टीप्लाई हो के 3 और ये इसे मल्टीप्लाई, मतलब हाइट 9 के बराबर है बच्चे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया, एरिया दिया हुआ है तो आपको साइड निकालने आना चाहिए, हाइट निकालने आना चाहिए। अब इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है सर्किल का, वो -5, -6 है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है, सर्किल की रेडियस है वो 25 + 36 - c, यानी √61 - c है बच्चे। ये समझ में आ गया? Yes, sir. अब ये देखो, ये लेंथ हमको पता है, ये भी लेंथ हमको पता है, और ये इसकी रेडियस है, ये वाला जो लेंथ है सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो बाइसेक्ट कर रहा, तो ये वाला एक्स बाई टू है। एक्स बाई टू का मतलब है एक्स आप निकाल चुके थे तो ये 3√3 है बच्चे, और ये सेंट्रॉइड है, ये पूरा मीडियन हो जाएगा, और आपको पता है कि 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये वाला जैसे सेंट्रॉइड यहाँ पे है, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये वाला जो लेंथ होगा 1/3 ऑफ टोटल होगा, तो 1/3 ऑफ टोटल होगा, टोटल है 9, यहां से लेके यहां तक 9 था, ये 1/3 है तो ये 3 है बच्चे, और ये वाला है √61 - c है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो तो यहां से आप कह सकते हो 61 - c = 9 + 27, तो c की वैल्यू 61 - 36 हो जाएगा, मतलब 25 आ जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? Yes, sir. हम ये अलग से बता दिए हैं, सिर्फ इसकी उतनी जरूरत नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट जानते हो सब फॉर्मूला। बस ये समझना कि यही वाला सेंट्रॉइड होगा, और सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज एक्चुअली 1/3 ऑफ टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज 9, तो ये वाला जो लेंथ हो गया 1/3 होने से ये 3 हो गया, और ये इसकी रेडियस थी, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? If a circle
सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0 टचेज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 एक्सटर्नली एट द पॉइंट 1,-1 देन रेडियस ऑफ सी इज √57 4 √5 5 पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, कभी भी आपको कोई सर्किल चाहिए जो गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करे तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, याद आया कुछ? बोलो बच्चे। सर फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज करते हैं। हाँ हाँ, कल बताया था ना, कभी भी कोई भी सर्किल गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करे तो कैसे वर्क करते हैं उसी के हिसाब से सोचो। और किसी भी पॉइंट पे सर्किल पे टेंजेंट लिखने आना चाहिए। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से। एक्स वन वाई वन वो पॉइंट होता है जहां पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हो, ठीक है ना सर? ऑप्शन डी। डी बाकी लोग भी ट्राई करके देख लीजिए। ये जो सर्किल दिया हुआ है इसका सेंटर है -2,3 और इसकी रेडियस है 4+9+12 5 है। एक सर्किल सी है जो कि 4,0 से पास कर रहा है, इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली एट 1,-1 1,-1 पे वो सर्किल इसको टच कर रहा और ये पास कर रहा 4,0 से। ये सर्किल सी है, इसकी रेडियस बतानी है बच्चे। तो हम क्या करेंगे, 1,1 पे ये लाइन लिख लेंगे। तो लिखने के लिए क्या करोगे, ये लाइन हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, एक्स एक्स वन की जगह वन है, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, और यहां पे हो जाएगा वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू करोगे तो -3y-1 आएगा, -12 = 0। और आप लिख सकते हो 2x+1, ये हो गया 3x, माइनस आ जाएगा 4y, और कांस्टेंट में देख लो जरा क्या आता है, यहाँ पे 2 आया यहाँ पे 3 आया, 2 और 3 होके 5 हो गया, 2, 3 और ये -12, -7 = 0 हो गया बच्चे।
अब क्या करो, ये सर्किल को भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि ये लाइन है 3x-4y-7=0, ये पॉइंट है 1, -1, ये सर्किल गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच कर रहा और ये पास कर रहा 4, 0 से। तो ये सर्किल इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा, तो आप कह सकते हो कि ये सर्किल यहाँ पे जो पॉइंट सर्किल है और ये जो लाइन है उसकी इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी हुई होगी, x-1² y+1² ये पॉइंट सर्किल प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन लिख लिया, ये सर्किल हो गया, ये फैमिली ऑफ सर्किल हो गया जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा होगा। ऐसे बहुत सारे सर्किल होंगे, उस फैमिली का वो मेंबर चाहिए जो 4, 0 से पास कर रहा, तो 4, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा एज इट पासेस थ्रू 4, 0 सेटिस्फाई करा दो बच्चे, तो यहां पे आ गया 9, y की वैल्यू 0 रखने से ये 1, लैम्डा 12-7=0, तो लैम्डा की वैल्यू -10/5 आ गई, यानी -2 आ गया, तो रिक्वायर्ड सर्किल हो गया, रिक्वायर्ड सर्किल इसको ओपन कर दिया तो ये x²-2x+1y²+2y+1, लैम्डा की जगह -2 रखा, 3x-4y-7=0, और आप लिख सकते हो x²y²-2x-6x-8x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 8y है और 2y है, तो ये 10y हो गया, और कॉन्स्टेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ 2 आ चुका है और यहाँ पे 14 आया है, तो 16=0, इसका सेंटर है 4, -5 और रेडियस हो जाएगी 16+25-16, तो ये 5 के इक्वल होगा बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. A square is inscribed in the circle x²+y²-6x+8y -103=0 with its sides parallel to the coordinate axis, then the distance of the vertex किसको करोना हो गया भाई, सर मुझे कोरोना हो गया है, आप मुझे बचा लो, ये कौन है,
कौन मैसेज किया ऐसा भाई? स्क्वायर इज स्क्राइब्ड इन द सर्कल. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्या, ये भी मस्ती करते हैं? मौलिक क्लास में ऐसा कौन बच्चा है? पता नहीं सर. पता नहीं. ऐसे भी कुछ है, कह रहा कि मुझे कोरोना हो गया है सर, बचा लो मुझे. ये क्या है यार? सर बच्चे मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं. बच्चे मजे ले रहे हैं और कुछ. तो क्लास में ऐसे बच्चे हैं मजे लेने वाले? सर क्या पता. सही है यार, ऐसे बच्चे मुझे बहुत पसंद है यार. गुड, ये लाइफ में अच्छा तो जरूर करेगा. देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर विच इज ये तो घर में सबको कोरोना फैला देगा बच्चे. ये मोबाइल या यूज कर रहा होगा या सिस्टम कुछ यूज कर रहा होगा, उसको छू रहा होगा. तुम तो गए बच्चे, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल विथ इट्स साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. Then distance of the vertex of this square, चार vertex होता है, जो origin से सबसे करीब है उसका distance बताना है. आप चाहो तो इसको circle को cartesian coordinate system में बना के सोच सकते हो. Try कीजिए. A square is inscribed in the circle with its side parallel to coordinate axis. Center इसका 3, -4 है. Fourth quadrant में है. आया किसी का? स्क्वायर के साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है. सर डी ऑप्शन. चेक कर लेते हैं बच्चे. सर्किल का जो सेंटर है वो 3, -4 है और रेडियस है ये रूट अंडर 128 है बच्चे. रेडियस ये है ठीक है ना, और
रूट अंडर 128 अगर 4 से डिवाइड करें ये सर रूट 41 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं, तो ये 4 इंटू 16 इंटू 2 है, यस ऐसे कर लेते हैं, ये रूट अंडर 64 इंटू 2 है तो ये 8 रूट 2 आ गया। तो सर्किल ऐसे है, ये 3, -4 है, स्क्वायर हमने बनाया है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ठीक है, सर्किल की रेडियस दी हुई है, तो आप क्या करो स्क्वायर का साइड निकाल लो, यहाँ पे ये देखो ये वाला इसका डायमीटर हो गया, ये 8 रूट 2 है तो ये टोटल 16 रूट 2 हो गया, ये ए मान लो, ये ए मान लिया तो आप कह सकते हो कि जो डायमीटर होगा वो रूट 2 ए होगा और वो है कितने के इक्वल, 16 रूट 2 के, तो ए की वैल्यू 16 हो गई बच्चे, ए की वैल्यू 16 होने से अब ये जो साइड्स है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हाँ चेक कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसके पैरेलल है, तो क्या होगा जैसे ये वाला जो लाइन है ना ये y इक्वल टू -4 लाइन है, अब यहां से ये a बाई 2 होगा, यानी यहां से आपको a की वैल्यू 16 है तो यहां से आपको 8 ऊपर चलोगे तो ये y इज इक्वल टू 4 लाइन हो जाएगा, 8 नीचे आओगे तो -12 हो जाएगा ये लाइन, और ये वाला लाइन है x इक्वल टू 3 है, यहां से आपको a बाई 2 चलना है, ये a बाई 2 है, a बाई 2 मतलब 8 डिस्टेंस चलोगे तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 8 डिस्टेंस पीछे आओगे, 8 डिस्टेंस पीछे आओगे तो ये -5 हो जाएगा, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x -5 है और y 4 है, ठीक है, आप हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो बच्चे, इसका देखोगे तो ये वाला 4, 11 आ जाएगा, सॉरी 11, 4 आ जाएगा, और ये वाला x -5 है और इसके लिए y की वैल्यू -12 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास क्या होगा, y -12 है x की वैल्यू 11 है, तो 11, इतना होगा, तो ओरिजिन से सबका अगर डिस्टेंस निकालोगे तो सबसे कम डिस्टेंस पे यही वाला होगा, आप देख सकते हो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस रूट अंडर 25 + 16 है, तो आपसे यही वाला आंसर पूछा जा रहा था। आईआईटी में पहले भी पूछा गया है कि भाई एक स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ, तो सेम तरीके से हम निकालते हैं, ये समझ में आया, बोलो बच्चे। यस सर, यस सर। ऐसी क्वेश्चन आया था आईटी में, इसमें वर्टेक्स निकालना था, उसमें लिखा हुआ था सेम क्वेश्चन, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x + 4y + 3 = 0 एंड इट्स साइड्स आर पैरेलल टू द
कोऑर्डिनेट एक्सिस देन वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर इज, ऑप्शन था वन प्लस रूट टू कॉमा माइनस टू, सेकेंड ऑप्शन था वन माइनस रूट टू कॉमा माइनस टू, थर्ड ऑप्शन था वन कॉमा माइनस रूट माइनस टू प्लस रूट टू, और उसके बाद ऑप्शन था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसको भी ट्राई करके देख लो बच्चे। स्क्वायर इसके अंदर बना हुआ, उसके साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये हमने बनाया, सारे वर्टेक्स निकाल लो, कुछ नहीं करना, बस स्क्वायर के साइड का लेंथ निकाल लो, फिर फटाफट काम हो जाएगा। सर मेरा तो नन ऑफ दीज आ रहा है। सर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज सही आ रहा बेटा, सही आ रहा, सही आ रहा, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये कोऑर्डिनेट में अगर स्ट्रेट लाइन और सर्किल तुम्हारा अगर अच्छा हो जाता है ना, तो सोचो कोऑर्डिनेट सुधर जाएगी। कोऑर्डिनेट में टोटल 5 चैप्टर हैं और आईआईटी में इसकी जो वेटेज है वो 16-18% की वेटेज है, और ये रिलेटिवली आसान होता है एग्जाम में। तो यहाँ पे सर्किल का सेंटर कितना है, 1, -2 है, और इसकी रेडियस है 1 + 4 - 3 है बच्चे, रूट टू दिया हुआ है इसकी रेडियस। ऐसे कुछ स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का सबसे पहले हम साइड का लेंथ निकाल लेंगे। ये ए है मान लो, ये भी ए है, तो ये रूट टू ए आएगा। रूट टू ए इज डायमीटर, डायमीटर हो जाएगा 2√2, उससे ए की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चे। ए अगर 2 हो जाएगा तो ये वाला लेंथ 1 होगा, ये वाला लेंथ 1 होगा, सिमिलरली ये वाला लेंथ 1 होगा, ये वाला लेंथ 1 होगा। अब ये जो लाइन है ये है y = -2 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट ऊपर चलोगे, 1 यूनिट ऊपर मतलब 1 इसमें ऐड करोगे, तो ये y = -1 होगा, और 1 यूनिट नीचे आओगे तो y = -3 होगा। ये x = 1 है, 1 यूनिट इधर आओगे तो ये x = 0 होगा, और 1 यूनिट इधर आओगे, ये क्योंकि लाइन x = 1 है तो ये x = 2 हो जाएगा। अब जैसे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, -1 होगा, ये वाला x 0 है और y की वैल्यू -3 है, ये दोनों पॉइंट एक्चुअली क्या हुआ, y एक्सिस पे आ गया, और ये जो पॉइंट होगा y - 1 है और x 2 है, तो 2, -1 है, और ये वाला 2, -3 है। इस तरह आप वर्टेक्स निकाल सकते हो बच्चे। तो सेम क्वेश्चन है, ये भी आईटी में पूछा गया था, फिर ये मेंस में पूछा गया।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चे। सर ये IIT JEE मेन और AI EEE अलग अलग हैं क्या? पहले क्या होता था, पहले AI EEE एग्जाम होती थी जिसके थ्रू आपके पास जितने भी रीजनल कॉलेज हैं इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें एडमिशन होती थी, और IIT का सेपरेट एग्जाम होता था, ठीक है। उसके बाद IIT में शुरू में पहले स्क्रीनिंग फिर एडवांस मतलब मेंस होता था। उसके बाद क्या किया गया कि भाई होता क्या था कि भाई जो बच्चा IIT में गया उसका उधर भी हो गया था AI EEE में, तो सीट सब बर्बाद हो जाती थी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि बोला कि नहीं अब हम ऐसा करेंगे एक एग्जाम लेंगे जिसका नाम होगा मेन एग्जाम, जो कि जनवरी में और अप्रैल में कंडक्ट होती है आज के दिनों में इन जनरल। इसमें जो बच्चा इससे रैंक बनाई जाती है, और इसमें जो बच्चा का रैंक अच्छा आएगा उसके हिसाब से टॉप रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा, और यही क्वालिफाइंग होगा IIT एडवांस के लिए। जैसे मान लो कि 10 लाख बच्चे ने मेंस एग्जाम दिया, तो वहां से ये चूज कर लेंगे 2 लाख बच्चे को। अब ये 2 लाख बच्चे IIT एडवांस दे सकते हैं, उसमें उससे जो एडमिशन होगी वो IIT में एडमिशन होगी। लेकिन जिसका IIT में वहां नहीं हुआ लेकिन मेंस में चूंकि उसके अच्छे रैंक आए हुए हैं तो उसको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाती है। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आज के दिन में मान लो 300 का एग्जाम हो गया है, तो जिसको 200 मार्क्स आ जाएगा इसका मतलब है कि उसको अच्छे रीजनल कॉलेज मिल जाएंगे। और सेकंड बात यह है कि उसको अगर मान लो जनवरी में ही 200 नंबर आ गए तो उसका दिमाग भी थोड़ा सही हो जाता, चलो मेरे को एक कॉलेज तो कन्फर्म है अच्छा मिल चुका है, अब हम जम के तैयारी करते हैं ताकि मेरा IIT में हो जाए। इसलिए जनवरी में अच्छा होने का मतलब है कि वो अप्रैल वाले पे उतना ज्यादा ना करके वो एडवांस की ही तैयारी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा तो हो ही चुका है। और IIT उसी का होता है जिसका 200 से ऊपर मार्क्स रहेंगे, वही प्रोबेबल बच्चे हैं, उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है। अगर आप मेंस में भाई 20,000 बच्चे में अगर आते हो, 20,000 बच्चे में आते हो, तभी तो आप IIT के लिए सीट 13,000 है, तभी तो आपका उसमें कंपटीशन होगा, तब बात बनेगी। लेकिन 13,000 आने से तो बात बनती नहीं है ना। बात तो ये होती है कि जब तक आपको 1,000 के अंदर नहीं आएगा तो कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा, ब्रांच भी अच्छा नहीं मिलेगा। आपको कॉलेज अच्छा चाहिए, मान लो आपको IIT दिल्ली चाहिए, फिर कहोगे हमको ब्रांच भी अच्छा चाहिए, तो फिर तो आपको 200 के अंदर आना पड़ेगा। वो सारा खेल उसका है। सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो पहला एग्जाम होता है जनवरी में, आप उसमें 200 प्लस स्कोर करोगे तभी आपका 99.78 इस तरह के आएंगे। अगर 99.99 आ गए या 100% आ गया तो सोचो कि आपका 100% चांस है कि IIT में हो जाए, IIT एडवांस में हो जाए, जिसके थ्रू IIT में जाओगे। yes. ठीक है। yes. तो पहले अलग होता था, पहले लोग क्या करते थे AI EEE भी दे दिया IIT भी दे दिया। अब जो अच्छा बच्चा है उसका IIT में भी हो गया AI EEE में हो गया, अब वो AI EEE वाला सीट तो बर्बाद हो गया ना। yes, ये होता था। C1 and C2 be the centers of the circles। और IIT करने का बस मूल मंत्र एक ही है, रेगुलर पढ़ाई करना, ज्यादा नहीं पढ़ाई करना, कम नहीं करना। एक हमने बना लिया फिक्स भाई, स्कूल रहेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करेंगे, स्कूल नहीं रहेगा तो हम 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, यही इसका मंत्र है, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। और OBS से दिमाग तो होना ही चाहिए IIT जाने के लिए। C1 C2 भी सेंटर ऑफ द सर्किल्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो रेस्पेक्टिवली इफ P and Q are points of intersection of these circles, then the area then the area in square units of the quadrilateral P C1 Q C2 is 8 6 9 4 दो सर्किल है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे पी और क्यू पे तो सेंटर सी वन सी टू और पी क्यू से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया बताना है. एक सर्किल का सेंटर है कुछ क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है ये पी है ये क्यू है. एक का सेंटर सी वन है एक का सेंटर सी टू है. इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ बच्चे. दोनों सर्किल को माइनस करोगे तो कॉमन कॉर्ड निकल जाएगा. पिछले क्लास में कॉमन कॉर्ड का लेंथ भी बताया था. हाँ या ना? मेथड पहले समझ लो. दोनों सर्किल को माइनस करके ये कॉमन कॉर्ड निकाल लेना बच्चे. उसके बाद कॉमन कॉर्ड का ये लाइन चुकी मिल चुका है तो सेंटर से इसका भी डिस्टेंस निकल जाएगा और सेंटर से इसका भी डिस्टेंस निकल जाएगा. मान लो ये H1 है ये H2 है और PQ का लेंथ मिला हुआ तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो. इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो दोनों को ऐड कर दो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा. सर फोर चेक कर लेते हैं अभी. कौन बोले हो? सर भव्य. सही है. क्या नाम बोले बेटा? सर भव्य. भव्य पहले सर्किल का सेंटर है 1.1 और दूसरे का है 3.3. अच्छा ये तो y इक्वल टू x लाइन ही हो गया तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा. चलो तो माइनस करके निकाला होगा. माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? इसकी इक्वेशन ये होती है s1 माइनस s2 इक्वल टू जीरो. अगर ये सर्किल है S1 इक्वल टू जीरो और ये है S2 इक्वल टू जीरो तो कॉमन कॉर्ड हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो. तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो. तो ये हो गया x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है.
इसकी रेडियस अगर देखोगे तो ये आएगा 1 + 1 + 2, तो इसकी रेडियस 2 है। इससे आप PQ का लेंथ निकाल सकते हो, अगर ये H1 निकल गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, तो 1, 1 से इसका डिस्टेंस अगर निकालोगे H1 आ जाएगा। 1, 1 से इसका डिस्टेंस निकालो, इसमें रख दिया, इसका मॉड डिवाइड बाय √2, तो ये √2 आ जाएगा बच्चे, ये √2 हो गया। तो अगर PQ का लेंथ चाहिए, क्वेश्चन में कह सकता था ये दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड बताओ, तो PQ का लेंथ हो गया 2 times r² - p² r स्क्वायर हो गया 4 - p² p स्क्वायर मतलब h1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 हो जाएगा बच्चे। PQ का लेंथ निकल गया 2√2। ऐसी H2 निकाल लो, 3, 3 से इसका डिस्टेंस H2 हो जाएगा, 3, 3 से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो 3 + 3 - 4 इसका मॉड डिवाइड बाय √2, ये भी √2 ही आया है, ये तो और आसान हो गया चीजें, ठीक है ना। इसका भी सेंटर से डिस्टेंस उतना ही आया है, तो बस आपको क्या करना था, इस एरिया को निकाल के डबल कर देना था, क्योंकि ये हाइट सेम आ गई है। आई बात समझ में? यस सर। तो एरिया हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ बेस PQ और हाइट H1, H1 की वैल्यू हम √2 लाए थे, इसी का डबल करना पड़ेगा, तो ये 4 हो गया। डबल इसलिए हो गया कि H1 और H2 सेम आ गया है बच्चे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ बेस PQ इनटू हाइट होगा, PQ दोनों के लिए सेम है और हाइट भी सेम है, तो ये आसान हो गया। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि दो सर्किल दिया हुआ है, आप कैसे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालोगे, PQ का लेंथ निकालना होगा तो 2√2 बताओगे। नेक्स्ट है, इफ ए वेरिएबल लाइन, इफ ए वेरिएबल लाइन 3x + 4y - λ = 0 इज सच दैट द टू सर्किल्स x² + y² - 2x - 2y + 1 = 0 and x² + y² - 18x - 2y + 78 = 0 are on its एक मिनट बच्चे, आर ऑन इट्स अपोजिट साइड्स साइड्स देन the set of all values of lambda is the interval (12, 17, 23, 31, 13, 23)
इफ ए वेरिएबल लाइन इज सच दैट कि ये दोनों सर्किल आर ऑन द अपोजिट साइड, लाइन के अपोजिट साइड पे है बच्चे, तो यहाँ पे लाइन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. ट्राई करके देखिए.